नमस्ते सर। सबसे हाँ पहले नमस्कार नमस्कार बताइए रात उधर प्राणायाम करके मैं सोया तो हाँ शायद 10 या 12 बार सांस ली होगी मैंने, हाँ और उसके बाद मैं इतना गहरी नींद में सोया हूं कि सुबह फिर 4:30 बजे ही नींद खुली। क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती जी एक बार की यूरिनेशन में उठा नहीं है। और ना पानी पीने के उठा, सोता ही रह गया मैं पूरा। अग्निसार और रोटियार में हाँ सर, हाँ तो इसमें सर जब हम रेच करते हैं तो जैसे हम वायु बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालते निकालते जैसे हम पेट को पिचका रहे हैं, तो पेट को पिचकाने के बाद अगर हम सबसे पहले अग्निसार के बारे में हम बात करें, तो पेट को पिचकाने के बाद जैसे हवा निकल गई और हमने हवा रोक दी, कुंभक कर लिया है, तो पेट को पहले बाहर आने देना है, उसके बाद फिर अंदर बाहर करना है, या जिस लेवल तक वो अंदर पिचका है वहीं से ऊपर नीचे करना शुरू करना है अंदर बाहर, नहीं और नहीं उसके नहीं बाद पूरा बाहर आने दो भाई। फिर से फिर हल्के जैसे हल्के। सांस को आपने बाहर छोड़ दिया, यस सर पूरा रोक लिया बाहर, पेट जी, पिचक गया, अब पेट को आप ढीला कर दो, बाहर ढीला आने करना दो, छोड़ दो ढीला वहां पर। नोट करो जी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप सांस को बाहर होल्ड करोगे तो पेट अंदर पिचकेगा, और पेट को फिर लूज छोड़ो, लूज लूज छोड़ दिया छोड़ो फिर अंदर पिचकाओ, फिर लूज छोड़ दिया फिर अंदर पिचकाओ। तो यहां पर एक बार लूज छोड़ रहे हो, एक बार अंदर पिचका रहे हो, लेकिन बाहर कुंभक लगा हुआ है। यस सर तो अब नोट करो, बाहर कुंभक लगा है, ब्रेन पर स्ट्रेस है, लेकिन जो एब्डोमिन को लूज कर रहे हो उससे भी ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि एब्डोमिन में दो क्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए ये क्रिया है, ये प्राणायाम इसको नहीं एक्चुअल में बोला गया, राइट? ये बाहर छोड़ा, मसल्स को लूज किया, फिर टाइट किया, फिर लूज किया, फिर टाइट किया। तो वहां पे लूज करने की आप कला जागृत कर रहे हो एक्चुअली, राइट? ये आपकी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम प्राण, जो हमने बोला था आप लोगों को कि प्राण के दो अर्थ होते हैं, एक प्राण का मतलब है ऊर्जा, ऑब्जेक्टिव है ये। तो जो आप सांस को प्राण बना देते हो, लेकिन एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो आप स्वयं को अपने बॉडी में सांस के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो। आप खुद को आप एब्डोमेन में ले जा करके सांस के थ्रू ले जा रहे हो ना, सांस के थ्रू ले जा रहे हो एब्डोमेन में, और उसे लूज करा रहे हो और टाइट करा रहे हो, लूज करा रहे हो, टाइट करा रहे हो, आप करा रहे हो। तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी एक्सपेंशन हो रही है बॉडी के जिस हिस्से में आप चाह रहे हैं। नॉर्मली लोग शरीर के अंदर एंट्री नहीं कर पाते, तो प्राणायाम जो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, दौड़ना भागना या मसल्स की, जैसे हाथ और पैर की, ये बिगर मसल्स हैं, इस पर बहुत इजी कंट्रोल है। लेकिन इनसाइड ऑफ द बॉडी मसल्स, जो बहुत सूक्ष्म मसल्स होती हैं, उसमें आपकी ऐच्छिक कंट्रोल नहीं होता। अब इंटेस्टाइन में आपका कंट्रोल थोड़ी ना है, लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जब आप इन टेक्निक को फॉलो करते हैं, इन सब टेक्निक्स को, तो आप इनसाइड भी कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए ना? अब स्लीप पे किसी का कंट्रोल थोड़ी ना है, लेकिन ब्रीदिंग के थ्रू चले गए कि नहीं? अगर यस सर मेडिकल साइंस की फिलॉसफी देखो, तो मेडिकल साइंस मेडिसिन क्यों देती है? वो इसलिए क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं। अगर आपका कंट्रोल हो तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो ही ना। कभी कभार तो बात सभी को होता है, मुझे भी हो सकता है कभी कभार, लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि रोज ही हमारा स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, 25 बार उठ रहे हैं रात में, है ना, और सो ही नहीं पा रहे हैं 2-3 घंटे तक। जबकि बहुत सिंपल है, अगर ब्रीदिंग के टेक्निक के थ्रू जाया जाए, अपने को एक्सपेंड कराया जाए बॉडी के अंदर, इंट्री कराया जाए, तो आप ज़्यादा रुक नहीं सकते, तुरंत गायब हो जाओगे। बॉडी आपको कहेगी कि भैया जाओ, छोड़ देगी, क्योंकि बॉडी का एक रिलैक्सेशन का एक लेवल, एक स्टेट जैसे ही जाएगा, आप उसमें स्टे नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, बॉडी रहेगी। अब जैसे नोट करो, बर्फ में हमें फ्रीज कर दिया जाए तो गए, जबकि हमें कोई डिजीज नहीं, पर हम एंट्री नहीं कर पाएंगे ना बॉडी के अंदर,
क्योंकि वो फ्रीज हो रही है ना, तो बॉडी का एक सर्टन लेवल की जब रिलैक्सेशन बढ़ती है मसल्स की, नर्वस सिस्टम की, तो आपका माइंड नहीं चल सकता, चाहे जो कर लो। लेकिन ड्रग अगर आप देते हो ब्रेन को या बॉडी को, ब्लड में ड्रग डालते हो, तो कुछ दिनों के बाद आपका थॉट चलता रहेगा, बट इतना रहेगा कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपको ये मालूम चलेगा कि थॉट चल रहा है, पर इसमें नहीं थॉट चल सकता, क्योंकि बॉडी, फ्रीज वर्ड गलत है, बट बॉडी एक लेवल पर बहुत ज़्यादा मसल्स, नर्व्स, ब्लड में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन जा रही है, तो रिलैक्सेशन के समय थॉट की एंट्री हो ही नहीं सकती। सर एक चीज और है सर, कि जैसे जब हम इसको समाप्त करते हैं इस क्रिया को, अग्निसार को, तो एकदम से झटके से वायु आती है अभी अंदर, और वो झटके से आगे सीधे पेट में जाती है। अगर पेट में जा रही है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो थोड़ा सा बाद में लास्ट में आपको चेस्ट में भी लेना पड़ेगा सेटिस्फाइड होने के लिए, थोड़े दिनों के बाद अनुभव होगा, पर झटके में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नॉर्मल है। एक चीज और सर, मन में बड़े विचार चलते रहते हैं, मैंने ज्यादा खींचा है या नहीं खींचा है, इधर से खींच लूं, कम खींचा या ज्यादा फुलाया, ये हाँ, सब ये थोड़ा सा। कन्फ्यूजन का स्टेट है, बट आप ये देखो कि आपको मेन टारगेट आपका है कि जब आप टेक्निक को फॉलो करते रहो, टेक्निक को अप्लाई करते रहो, तो आप उसमें एक्सपीरियंस क्या गेन कर रहे हो। जो लेवल होता है एक एक्सपेरिमेंट करने वालों का, ये नहीं होता कि उसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, एक्सपीरियंस। अगर वो एक्सपीरियंस बेटर होता जा रहा है तो आपका लेवल ठीक है, अगर एक्सपीरियंस में गड़बड़ी आ रही है तो लेवल ठीक नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि शुरुआत में हम बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं, तो कुछ गड़बड़ी भी होती है तो उसको भी हम अच्छा मानने लगते हैं, लेकिन उसको चिंता मत करो, फ्यूचर में वो भी आपकी प्रोग्रेस ही है, उसमें भी आप नॉलेज सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं इसको, अग्निशात्र को? नहीं, शाम को मेरे ख्याल से मत करो, सुबह करो, क्योंकि सुबह में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हो और दिन भर रहेगी। रात में ऐसी क्रियाएं करो जो बहुत कूलिंग हो, जो मसल्स को बहुत डीपर लेवल पर कूल कर दे, रिलैक्स कर दे, तो जिसमें एक्सहेलेशन, जिसमें रेचन को जितना मास्टरी कर सको, रेचन को ढीला करने की, स्ट्रेस की नहीं, रेचन को ढीला करने की, लूज करने की, रेचन पे कंट्रोल नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर अग्निसार और इन सब क्रियाओं में रेचन पर बहुत फोर्स है, फोर्स लगा रहे हो, तो इसको मॉर्निंग में करो, ज़्यादा बेटर। थैंक यू सर, बस इतना ही ओके था सर। ओके सर एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ था हाँ सर, जैसे आपने ये अग्निसार क्रिया है उसमें लिखा था कि अंतर कुंभक वाला है वो लो बीपी वाला कर सकता हाँ है, लो बीपी वाला तो अगर एंग्जायटी वाला हो और प्लस में लो बीपी वाला हो तो उसको हाँ कर करना सकते चाहिए हैं, कर आप? सकते हैं, कर सकते हैं, पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे सिर में भारीपन होने के चांस होते हैं, पता चला आधा आधा मिनट तक अंतर कुंभक करके और वो मारे जा रहा है पेट को, तो सिर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए दो चार बार करो और बहुत पेट को पिचकाओ मत, धीरे धीरे, आराम आराम से, है ना। हर दिन हम अग्निशर कर सकते हैं अरे सुबह? हाँ, हर दिन कर सकते हो, 5 मिनट तो करीब किया जा सकता। उल्टी चीज पूछनी थी कि एक ही बार करना होगा जैसे, या सेट होते हैं कि दो तीन बार कर सकते हैं एक ही क्रिया को? जैसे दो दो मिनट का सेट बना लो या एक एक मिनट का बना लो, तो 1 मिनट का आपने सेट बना दिया तो 3 बार कर लिया या 4 बार कर लिया या 5 बार कर लिया, लेकिन ऐसा मत करो कि 5 मिनट एट ए स्ट्रेच कर लो, ऐसे कभी भी नहीं किया जाता। तो सब में एक उड़ान बंद सब भी के हाँ, सब हो रहा है? सभी में हमेशा जब हम प्रोग्राम देते हैं तो सेट में देते हैं, ताकि जैसे मान लो मुट्ठी वाला बंद करना है, जैसे सपोज इसको मैंने कहा कि 1 मिनट तक ऐसे ऐसे करो, अब आपने 1 मिनट कर लिया, 1 मिनट के बाद इसको लूज करोगे, ब्रेन को दो चीजें दे रहे हो, एक स्ट्रेस का ज्ञान दे रहे हो और एक रिलैक्सेशन का ज्ञान दे रहे हो, तो आपको सेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जब एक कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप रिलैक्सेशन को फील करते हो कि
कि स्ट्रेस के बाद रिलैक्सेशन कितना इंक्रीज हुआ, राइट ये नहीं है। आप स्ट्रेस से कुछ नहीं पाओगे, स्ट्रेस को तो केवल इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको रिलैक्सेशन कितना मिला। आप जो दिन भर काम कर रहे हो वो इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि जो कर्मा है, कर्मा के बाद जो निष्काम कितना, निष्कामता कितनी मिली आपको। रिलैक्सेशन ही आपका मेन टारगेट है। एक्सरसाइज से कोई ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास आते हैं, कुछ का तो फेशियल पैरालिसिस हो गया, कुछ का पैरालिसिस हो गया, 5-5, 6-6 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हैं जिम में। अब उनके ब्रेन में या उनके माइंड में एक परसेप्शन बन गया है कि जितना हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आएगी, वही उनका रिलैक्सेशन का सोर्स हो गया है। स्ट्रेस को उन्होंने रिलैक्सेशन मान लिया है, जबकि बिल्कुल गलत है वो। हम लोग भी, वो बच्चे नहीं, हम लोग भी ऐसे ही, जब तक गुस्सा ना करें तब तक कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, चीखना चिल्लाना। तो होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस देते हो मसल्स में, उसके बाद उसको जब लूज करते हो तो हमेशा जो रिलैक्सेशन डोमिनेंट ब्रेन होते हैं वो रिलैक्सेशन को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं और रिलैक्सेशन को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वही मैक्सिमम सक्सेसफुल देखे गए हैं मेरे अनुसार, ध्यान में या कर्म में या किसी भी प्रोफेशन में। अदरवाइज जितने भी स्ट्रेस को ज़्यादा देने वाले लोग होते हैं वो बर्नआउट हो जाते हैं। लाइक 40-50 साल के बाद जो बहुत हाइपर किस्म के होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लोग कहते हैं बहुत एनर्जी भरी पड़ी है उसमें, वो 50-55 के बाद उनको देखो कि वो किसी मेजर डिजीज से, जैसे पैरालिसिस है, नर्व्स का फट जाना है और एनर्जी उनकी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, हाई ब्लड प्रेशर से उनको प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कोई न कोई मेजर चीज़ आ जाती है जिससे पैरालिटिक अटैक के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हम खुद रिलैक्सेशन के भूखे हैं, ना कि स्ट्रेस के। स्ट्रेस हम सिर्फ इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिले। हम ब्रीदिंग इसलिए फोकस्ड हैं, ब्रीदिंग से कोई मतलब नहीं है हमें। कहने का मतलब है कि ब्रीदिंग को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो आप, आपको ब्रीदिंग के थ्रू खुद रिलैक्सेशन ले रहे हो। अगर ब्रीदिंग को स्लो नहीं करोगे तो आप खुद हाइपर हो जाओगे। ब्रीदिंग को स्लो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप स्लो हो जाओ, समझ गए मेरी बात। अगर ब्रीदिंग को फास्ट करोगे तो आप स्लो नहीं हो पाओगे। जैसे कार को अगर 200 की स्पीड पे बढ़ा दो तो आप वहाँ पर स्लो फील नहीं करोगे, आप भागना आप फील करोगे कि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें टेक्निक को स्लो रिदम में करना चाहिए, रिदम इसीलिए बनाए गए ना गुरुजी। पेट भारी हो, जैसे खाना ज्यादा खा लिया हो और कुछ पेट भारी जैसा लग रहा हो, थोड़ा ब्लोटिंग जैसा लग रहा हो, तो वो रेचक वाला प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन खाना ज्यादा खा क्यों लिया अभी, कमाल कर थोड़ा खुस लिया हो ज्यादा तो क्या कर। हाँ तो वॉक करो, सबसे ज्यादा वॉक ध्यान दो। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो आप पैर की एक्सरसाइज ज्यादा करो, पेट की नहीं, क्योंकि पेट की मूवमेंट बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी और खाना ऊपर आएगा, क्योंकि खाना नीचे रखा है ना। खाना नीचे रखा है आपकी, तो आप जब ओवर ईट करोगे, मान लो कभी कभार, वैसे ओवर ईटिंग गलत है, पर अगर करते हो तो आप कमर के नीचे के हिस्से की, कमर के नीचे के हिस्से का मतलब हिप के नीचे, थाई मसल्स, काफ मसल्स, तो चाहे हील अप एंड डाउन हो, चाहे चेयर पोज हो, चाहे वॉक हो, खूब करो। आप देखो आधा एक घंटा में सब काम ठीक हो जाएगा। इतना ज़्यादा करोगे कि ओवर ईटिंग करने का मन ही नहीं करेगा। जी सर, कॉन्टोर्स वॉक से काफी हेल्प होती है, उससे ये जो ब्लोटिंग वाला है स्पेशली, इसमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो इसका मतलब ओवर ईटिंग करते हो? खाने में आती है ज्यादा है या फिर इस तरह से? जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस करते थे योग और मेडिटेशन की, तो कहने का मतलब जब 86-87 की बात है, तो मैं कहीं जाता था, थोड़ा ज़्यादा खाता था और घर आता था तो आधा हाफ ओमिट करता था, ओमिटिंग करता था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कि बाघी क्रिया, एक बाघी क्रिया है योग में, उसमें जितने भी जानवर होते हैं
जब कोई सड़ा या गंदा खाना खा लेते हैं वो, तो वो आधा उलट देते हैं, निकाल देते हैं, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होता। तो हम यही काम करने लगे कुछ दिन, तो मेरे पिताजी ने बहुत डांटा कि गधे तुम जब वहाँ खाते हो तो वो वोमिटिंग आके करते हो, ये जानवर करते हैं, जानवरों वाली तुम हरकत कर रहे हो। तो बाय द वे हमें याद आ गया, पर वो भी एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है कि आप थोड़ा सा बाहर निकाल दो तो खाना पलट जाता है, और जो खाना एक्स्ट्रा है वो आप निकाल देते हो तो आपके खाने का डाइजेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है। पर ये कभी कभी बाघी क्रिया में यही सेम जो एब्डोमिनल डिजीजेस इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इन लोगों ने बताया था गुरुओं ने, जिसमें खिचड़ी खिला करके ओमिट कराया जाता था। पर अब नॉर्मल खाना भी जब ओवर ईटिंग गले तक खाई लिए हो तो थोड़ा पलट ही दो तो क्या दिक्कत है, तो वो भी किया जा सकता है, पर आधे घंटे के अंदर, ये नहीं कि दो तीन घंटे के बाद। ठीक है गुरुजी, मैंने कल उधर प्राणायाम दोनों 15-15 मिनट कर लिए रात में, एक्सपीरियंस ऐसा रहा, नहीं अपने सेशन के बाद और रात में भी एक बार किया, एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि डकार काफी निकल रही थी, जो मेरे को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है वो उससे मेरे को रिलीफ लग रहा था, बट नींद ठीक से नहीं आ पाई, बट जो डिस्कम्फर्ट लग रहा था, मतलब जो आदत हो गई थी, वो कम लग रहा है अभी, वो कंट्रोल हो जाएगा अगर ढंग से कर लो तो। 15-15 मिनट 30 मिनट तो बहुत होता है, 4-6-10 मिनट में ही अपवर्ड, मतलब उदान वायु किसी भी टेक्निक से, इवन कि आसन से भी बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं होता, कर लेते हैं। बट जो ब्रीदिंग की टेक्निक है रेचन की, रेचन में कंप्लीट एफर्टलेस की टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट है, इससे अच्छी टेक्निक हमने देखा नहीं। गुरुजी बस एक सवाल, ये उदर प्राणायाम जो लेटने वाला था या बैठने वाला था वो कौन लोग नहीं कर सकते? उदर प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं, जिनको एंजाइटी है वो भी? हाँ, क्योंकि एंजाइटी वालों का एब्डोमेन पर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, एब्डोमेन को एंजाइटी वाले खींचे रहते हैं ना पकड़ के अंदर, एंजाइटी वाले किसी भी, जैसे घर में भी जो एंजाइटी वाले हैं वो घर के अन्य सदस्यों को भी पकड़े रहते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो अपनी बॉडी में मैक्सिमम जो पार्ट है, जैसे हार्ट है, लंग्स है और एब्डोमेन का पोर्शन है, उसमें इंटरफेरेंस बहुत रहता है, उन्हें मालूम नहीं चलता, बट उसको खींचे रहते हैं एब्डोमेन को, इसीलिए देखो चेक करो उनको, तो उनकी हार्ट बीट बहुत बड़बड़ाती रहती है, सांस उनकी फूलती रहती है, ब्लोटिंग होती है, ज़्यादातर एंजाइटी वालों को तो होता है एब्डोमेन पे स्ट्रेस, तो इसलिए वो आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा। उदर प्राणायाम में जो आपने रेचक और बाह्य कुंभक की विधि बताई थी, वो भोजन करने के कितने पहले, मतलब करना है उसको? भोजन करने के तुरंत पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, भोजन करने के बाद आपके आता है भोजन, जो उदर प्राणायाम में ये जो पूरक और अंतर कुंभक है ना, इसको तो आप तुरंत कर सकते हो अगर डाइजेशन को ठीक करना है तो, मतलब 10 मिनट में तुरंत का मतलब ये नहीं होता कि खाना खाए नहीं कि बगल लेट जाओ, दो चार 10 मिनट तो वेट करोगे ही ना कोई भी चीज़ में, तो 2-4-10 मिनट के बाद कर सकते हो, लेकिन ये रेचन वाले में थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है। रेचन वाला मतलब करके वो 5 मिनट वेट करके फिर खाना खा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, उससे बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है। कल मैं पूरक वाला किया था तो उससे भी काफी मुझे नींद अच्छा आया। एक्सपेरिमेंट जरूर करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की आदत रहेगी तो हमेशा फाइट करने की आदत रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारा खुद का थॉट अटैक करता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारे पास पेट में दर्द हुआ तो हम हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो गया, तो हम दवाइयों के पास भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, बहुत सारे 90% प्रॉब्लम्स को हम खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं, हमारी इनर सेंस बता देती है कि ये कर लो, इवन कि हम सोते रहते हैं और मेरी वाइफ कभी कह दिए कि अरे वो बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, तो हम आधा सोते सोते बता देते हैं कि ये कर दो, अपने आप ही ठीक हो जाता, वो बच्चे कर लेते हैं ठीक हो जाता, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को ये अप्लाई कर दो वो कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व करते रहते हो, जैसे
आपके बॉडी में एक पॉजिटिव सेल्स नेगेटिव सेल्स, तो पॉजिटिव सेल्स और नेगेटिव सेल्स फाइट करते रहते हैं, वैसे ही आपका इनर सेंस में आपके ही अपने विचार, आपकी ही अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करती है, जब प्रॉब्लम आती है तो वो अप्लाई कर देती है, लेकिन हमने उसे भुला दिया है, उस कॉमन सेंस को ब्रेक कर दिया। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? प्लीज प्लीज। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जो उदर प्राणायाम कल आपने बताया था उसमें बैठ के जो करना है, जिसमें एफर्ट के साथ रेचन करना है। हाँ, बैठ करके ये रेचक और वाह कुंभक की बात कर रहे हो आप? जी जी। हाँ हाँ। जिसमें बैठ के रेचन एफर्टफुली करना। गुड। हाँ। और फिर एफर्टलेसली पूरा बने। हाँ। में एफर्ट का मतलब क्या, फोर्सफुली है या बहुत फ्रिक्शनलेस और स्लोली करना है? स्लो एफर्ट, जैसे अग्निसार में आप फोर्स लगाते हो, वो फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स में रिदम चाहिए, स्लो रिदम, स्लो। और लंबा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, वेरी गुड, लॉन्ग होना चाहिए। तो जब आप लंबा करोगे तभी कोई भी चीज में नोट करो कि जैसे ये मान लो ये स्टिक है, इसको आप ऐसे मोड़ दो तो ये ब्रेक कर जाएगी, लेकिन इसी स्टिक को अगर आप धीरे 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 मोड़ो तो ये अपने आप शेप ले लेगी। अगर आप देखें ना गांव में या लोग कैसे फोल्ड करते हैं चीज़ों को, शेप देते हैं, तो हम लोग तो छोटे थे, चूड़ियां जो टूटी हुई होती थी उसको आग में लगा के शेप देते थे खेलने के लिए, पता नहीं होता था पर छोटे थे बहुत, तो थोड़ा सा आग लगा देते थे तो उसको शेप ऐसे देते थे, और चूड़ी को वैसे तोड़ो तो टूट जाएगी। तो आप जब धीरे धीरे चीज़ें करते हो तो आपकी इंट्री ज़्यादा होती है, आप बहुत जल्दी करोगे, इसीलिए तो कहते हैं ना हाइपर मत बनो, हाइपर एक्टिविटी मत करो, तो स्लो और रिदम को फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा फील करोगे, फिर आप छोड़ नहीं सकते। जितने हाइपर लोग होते हैं वही इनडिसिप्लिन होते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनमें लेस एक्सपीरियंस है। जब आप मान लो एब्डोमेन को धीरे 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 बाहर निकालो तो आप हर एक चीज़ फील करोगे, जब आप फील ज़्यादा करोगे तो वो फीलिंग आपके माइंड में ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगी, मेमोरी में, तो आप उसको भुला ही नहीं सकते भाई, तो डिसिप्लिन आपको मजबूरी में होना पड़ेगा, जब भी प्रॉब्लम आएगी शुरू हो जाओगे आप। लेकिन एक आदमी दो सेकेंड के लिए किया और भाग लिया किचन में, फिर दो सेकेंड के लिए किया फिर कुछ और करने लगा, तो उसकी मेमोरी में एक्चुअली फीड हो ही नहीं रहा है ना कोई चीज़, है ना। तो ये है, अब जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था बच्चों के साथ, अब मुझे अगर आप एक खाना दे दें तो मैं उसको सालों साल खाऊंगा, मैं कहीं बाहर भी जाऊंगा तो मुझे लगेगा यार वही खाओ, नहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो टेस्ट में ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि पता है मेमोरी उसे रिकॉल कर रही है। लेकिन अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और गड़बड़ हो गया तो हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें डिस्टर्ब होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हमारी मेमोरी में अगर कोई चीज़ फीड है एक्सपीरियंस तो आपको रिकॉल कराती है, आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल कराती है, और वो अच्छा है, उसमें आप ऐड करो, उसमें आप एडिशन करो ना। सर एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज। सर पापा से एक डिस्कशन हो रहा था तो उनका कहना है कि अगर सोते समय थॉटलेसनेस में जाते हैं तो फिर नींद नहीं आती है। सर अगर आप थॉटलेस स्टेट में जा रहे हो तो आपके पास दो स्टेट बचेगा, अगर आप बहुत इनिशियल और बिगनर हैं तो आपको सोने के अलावा, बिगनर क्या, कम से कम 25 साल 30 साल का प्रैक्टिस भी हो आपको मास्टरी, तब भी आपके पास सोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। अगर आप और एक्सपर्ट हो गए हैं, 30-40 साल के बाद की एक्सपर्टीज और आ गई है, तो आपके पास बस यही रहेगा कि आप नो थॉट जोन पे चले जाओगे और जगते रहोगे, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होगे, वो बहुत हायर स्टेज है। मेरे ख्याल से वो थॉट को कहीं सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं, ये देखना होगा। गुरु जी रेचन करते समय दोनों को साथ में एक्सपीरियंस करना है, चेस्ट एंड एब्डोमिन को, या अलग अलग एक्सपीरियंस करना है? हाँ दोनों को कर सकते हो, दोनों को एक ही साथ कर सकते हो, वो आपकी मास्टरी है, आपकी मास्टरी है कि दोनों एक ही साथ नीचे आ रहे हैं। एक्चुअली में तो वैसे ही होता है दोनों, जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखो तो उसकी मूवमेंट देखो ना, एब्डोमेन की और चेस्ट की एक्सहेलेशन पे देखो, तो बिल्कुल आइडिया लग जाए।
तो वो कोई वन बाय वन थोड़ी ना करता है कि एक बार पेट को पिचकाएगा फिर एक बार चेस्ट को पिचकाएगा। इवन कि जो पूरन में होता है, पूरक में, उसमें भी वन बाय वन नहीं होता, लेकिन अब यहाँ हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी थोड़े महीनों के बाद ये ऑटोमेटिकली एब्डोमेन के साथ साथ चेस्ट भी ऊपर जाता रहेगा, राइट? तो थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद, अभी प्रैक्टिस जब करोगे तो जब इसको फाइन ट्यून करेंगे नेक्स्ट कभी, तो धीरे धीरे एब्डोमेन भी उठाते रहोगे और चेस्ट भी उठता रहेगा ऐसे अपने आप। फिर धीरे धीरे नीचे आएगा तो दोनों साथ आएंगे। अभी तो वन बाय वन करवा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग वही नहीं, जैसे छोटे बच्चों को कहते हो पहले राइट लेग उठाओ फिर उसको पीछे करो, तो चलाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, हालांकि अभी छोटे बच्चों वाली हालत नहीं है, अभी तो हम लोग हैं बट अवेयर नहीं। तो जब ये कॉमन सेंस जग जाती है एक बार, तो वो छोटे बच्चे नहीं रह जाते।